हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल की कचौड़ी। यहाँ पर हमने आटा लिया है, ये देखिए दाल ली है, ये रात की दाल है। और अब आटे में हम हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। नमक डालेंगे, दाल में भी नमक पड़ा है उसमें भी थोड़ा कम नमक डालें। धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये दाल की कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए मिक्स कर दिया है, अब इसमें दाल ऐड करेंगे, सारी दाल डाल देंगे। अब इसको मिक्स करके भूनेंगे। इसमें हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है कि दाल काफ़ी बच गई थी और आटा भी हमें थोड़ा ही लगाना था। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या अगर आपकी दाल कम है आप थोड़ा सा पानी डाल के भी भून सकते हैं इसको। ये देखिए आटा गूंद के तैयार हो गया है। ये देखिए कढ़ाई में तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपको बना के दिखाती हूँ। ये कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपकी रात की दाल बच जाए और सुबह कोई भी खाए ना, मन ना करे किसी का खाने का, तो दाल वेस्ट ना करें, इसी तरह से कचौड़ी बनाएं और फिर सुबह के नाश्ते में खाएं या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। ये बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। देखिए किसी भी दाल के आप बना सकते हैं। ये हमारी चना लौकी की दाल थी। ये देखिए कचौड़ी बन रही है, इसी तरह से हम बाकी भी कचौड़ी बनाएंगे। दूसरी भी बना के दिखा देती हूँ आपको। ये हल्के हाथों से ही बेलना है, आप चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। पराठे बनाएं या कचौड़ी बनाएं, दोनों बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
ये देखिए कचौड़ी बन गई है। इसी तरह से हम बाकी कचौड़ियाँ बना लेते हैं। ये दाल की कचौड़ी है ना, ये आप बनाएंगे तो कोई कहेगा नहीं कि आपने दाल से बची हुई दाल से बनाई है। इसका कचौड़ियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ बना ली हैं हमने। ये देखिए बहुत अच्छी कचौड़ी बनके तैयार हुई हैं। काफ़ी खस्ता होती हैं। और अगर आपको हमारी ये दाल की कचौड़ियाँ पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।